गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डॉक्टर राधाकृष्णन जी के शैक्षिक विचार जानेंगे। डॉक्टर राधाकृष्णन एक निर्विवाद निष्काम कर्मयोगी थे, भारतीय संस्कृति के उपासक तथा राजनीतिज्ञ थे। वह संपूर्ण मानव समाज का प्रतिबिंब प्रतिनिधित्व कर सके और विश्व नागरिक कहे जा सके, ऐसी उनमें क्षमता थी। वह एक महान शिक्षाविद थे और शिक्षक होने का उन्हें गर्व था। उन्हीं के नाम पर प्रतिवर्ष 5 सितंबर को उनके जन्म दिवस के आधार पर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 अप्रैल 1975 को 87 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर राधाकृष्णन जो हैं वो निष्काम और समर्पण भाव से कर्म करने को मार्ग को डॉक्टर राधाकृष्णन पुरुषार्थ को प्रशस्त मार्ग बताते थे। सदैव परमात्मा को स्मरण करने का अर्थ ही विश्व सत्ता के साथ स्वयं को जोड़े रखना है। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार हिंदुस्तान के साधारण आदमी के विश्वास, समझदारी, उदारता, कर्तव्य परायणता, सनातन मंगल भावना, ईमानदारी और सहजता, इन सब के साकार प्रतिबिंब थे। अब हम डॉक्टर राधाकृष्णन के शिक्षा में इनके क्या विचार थे उनको जानेंगे। उनका मानना था कि धर्म का लक्ष्य अंतिम सत्य का अनुभव है। दूसरी बात उन्होंने बताई कि दर्शन का उद्देश्य जीवन की व्याख्या करना नहीं बल्कि जीवन को बदलना है। नेक्स्ट बात उन्होंने बताई कि रोटी के ब्रह्म को पहचानने के बाद ज्ञान के ब्रह्म से साक्षात्कार अधिक सरल हो जाता है। चौथी बात उनका मानना था कि दर्शन का जन्म सत्यानुभव के फलस्वरूप होता है, ना कि सत्य की खोजों के इतिहास के अध्ययन के फलस्वरूप। पाँचवीं बात उनका मानना था कि दर्शन शास्त्र एक रचनात्मक विद्या है। अगली बात उन्होंने बताई कि अंतरात्मा का ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता है। निष्ठ बात उन्होंने बताई कि प्रत्येक व्यक्ति ही ईश्वर की प्रतिमा है। अगली बात उन्होंने बताई कि धर्म और राजनीति का सामंजस्य असंभव है। निष्ठ बात उन्होंने बताई महान उद्देश्य से शामिल व्यक्ति को भाग्य नहीं रोक सकता है। अगली बात उन्होंने बताई कि मानव का दानव बन जाना उसकी पराजय है और मानव का यही मानव होना उसका चमत्कार है और मानव का मानव होना ही उसकी विजय है। तो ऐसे उनके विचार थे, एक महान आत्मा थे। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक, व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक भी किया होगा और इसके साथ साथ वीडियो को शेयर भी किया होगा। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन्होंने चैनल को भी सब्सक्राइब किया होगा तथा बेल आइकन को भी प्रेस किया होगा। तो दोस्तों, इसी आशा के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।